के बारे में थोड़ा बताएं। मैं अभी जिम कर रही थी, तो जब हम उस दिन थे तो उस दिन जज साहब ने कहा था कि मंडे को होगा, मानो क्या मुझे नहीं पता कोर्ट का लोग का क्या कहते हैं, मंडे को बुलाया जाएगा। और सडनली मैं जिम में अभी गई थी, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, जिम करने गई थी, तो पता अभी सडनली पता चला कि उनका आदिल मेरे हस्बैंड आदिल का जो एडवोकेट यहाँ पे पेश हुआ है कोर्ट में। मैं जल्दी से भाग के आई, मेरी एडवोकेट भी सब लोग जल्दी से भाग के आए, पुलिस भाग के आई, क्योंकि अरे मंडे को तो बोला गया था, तो अभी ऐसा कैसे हुआ, सडनली सब क्या हो गया कुछ पता नहीं चला। लेकिन मेरी एडवोकेट और सरकारी वकील उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है और अभी मंडे ट्यूजडे को गया है। अभी बेल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी कि आज ना मिली है और ना इनकार हुआ है, मंडे ट्यूजडे को। और सुनने में आया है कि बहुत टॉर्चर हो रही हूँ, मुझे धमकियाँ मिल रही है कि अगर मैंने खामोश नहीं रही तो मेरे सारे वीडियो वायरल हो जाएंगे। और सुनने में आया कि शादी के बारे में आपने एक रिवील किया गया कि वो दूसरा शादी कर सकते हैं, मगर मुझे एक बात बताइए, मुसलमान हमारे कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में 4 शादियां अलाउ हैं, तो उस पर अगर वो दूसरी शादी कर लेते हैं आपके होते हुए, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए 4 शादियां कैसे अलाउ है, ऐसे भी कोई उठ के आ जाएगा और 4 शादी अलाउ कर देगा? मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे के खुदा ने ऐसा कभी नहीं कहा कि उठ के आ गए और आप 4 शादी कर ले। पहले एक शादी हो गई है, जो मुझे पता चला है, मैं जो डॉक्यूमेंट्स जो भी कैसे भी है मुझे नहीं पता है, वो मैं इंक्वायरी करूंगी हुई है नहीं हुई है, बट हुई है और मुझसे शादी हुई है, सिर्फ मुस्लिम लॉ से नहीं हुई है, कोर्ट मैरिज भी हुई है। तो मुस्लिम लॉ अगर 4 शादी मानता है तो कोर्ट मैरिज नहीं मानेगा। आप क्या चाहते हैं, रहना चाहती हैं आदिल खान के साथ? नो कमेंट्स। मैं चाहती हूँ सिर्फ उसे बेल ना हो, बस। नहीं, ऐसे कैसे रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं।